हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस नए चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें चैप्टर वन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बेसिक चीज़ है वो हम जानने वाले हैं। याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो या एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। ऐसे इक्वेशन को आप हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन। क्या मिल रहा है, रूट ऑफ माइनस वन। जहाँ रूट के अंदर माइनस वन की सिचुएशन आएगी वहाँ पर, या इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर भी है ना रूट ऑफ माइनस वन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। जहाँ ये सिचुएशन आता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है ना, तो ये जो इमेजिनरी जो होता है ना, इसको आई से, आयोटा से शो किया था सबसे पहले आयलर ने। ठीक है ना, और बाद में उसे गॉश ने, है ना, ऑफिशियली उसको इस तरीके से डिनोट किया, और इसी को हम है ना कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब जो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको स्पेशली है ना कैपिटल सी से शो करते हैं इस तरीके से। ठीक, ये होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, ये है ना। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल या सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, जहाँ पर x और y दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब देखिए, अगर y ज़ीरो हो जाए, अगर y ज़ीरो हो जाए तो यहाँ से पता चल रहा है कि x प्लस आई इंटू ज़ीरो मतलब x प्लस ज़ीरो मतलब x, x क्या है, रियल है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमें याद रखना है ना। यहाँ से स्पष्ट होता है कि R इज़ सबसेट ऑफ C, ये हमें ध्यान रखना है। तो जितने भी है रियल नंबर्स होंगे सब इसके अंदर शामिल होंगे ही। तो उसके अलावा जो इमेजिनरी नंबर्स हैं और दोनों का जो मिक्सअप x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वो सम्मिश्र संख्या जो कहते हैं, वो सब के सब इसके अंदर एक्स्ट्रा होंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हुआ। इनके बारे में थोड़ा यहाँ डिटेल मैंने किया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है उसको अगर मैं ग्राफिकल व्यू में देखूं तो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को ग्राफिकल में आप रियल लाइन के रूप में शो करते हो, है ना, रियल लाइन होता है ना, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है ग्राफिकल में आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स प्लेन को आर्गंड प्लेन भी कहते हैं, या फिर इसे गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको इसको समझिए किस तरीके से है। ये रियल एक्सिस है, मैंने इसको आर से शो कर दिया, है ना, या रियल लाइन बोल सकते हो आप। और ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसको आई आर से मैंने डिनोट कर दिया, है ना। हो सकता है कई राइटर्स इसी को एक्स एक्सिस, है ना, और इसको आई वाई करके शो करे, तो एक ही मतलब, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो एक्स वाई प्लेन आपने जो पढ़ा था, कार्टिशियन प्लेन जिसे आप कहते हो, वो होता है आर टू प्लेन, और वहाँ एलिमेंट को आप पेयर के रूप में शो करते हो। जैसे ये जो एलिमेंट है एक्स वाई के रूप में अगर शो करूँ तो यही आर टू प्लेन के अंदर होगा, लेकिन इसी को एक्स वाई को एक्स प्लस आई वाई के रूप में शो करूँ तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में होगा। कई राइटर्स इसको इस फॉर्म में भी शो कर देते हैं, बट कन्फ्यूज नहीं होना, हमें दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। आर टू प्लेन में पेयर में शो करना है, ऑर्डर्ड पेयर में, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको x प्लस आई वाई के रूप में शो करना है। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा z, तो z का मतलब है x प्लस आई वाई, जिसमें से x है रियल नंबर, है ना, y भी रियल नंबर है, बट ये जो है x यहाँ से आ रहा है, आई वाई यहाँ से आ रहा है। ओके, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत सारे फार्मूला बनेंगे, उनको हम डिटेल करने वाले हैं। तो देखिए, इसको ऑरिजिन बोलते हैं तो कोई वो नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये जो एक्स प्लस आई वाई है इनमें अगर बार लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट एक्चुअली क्या करता है, ये जैसे आई बार है, है ना, आई बार का मतलब होता है माइनस आई, यानी रूट ऑफ माइनस वन है, है ना, ये जो है माइनस आई, यानी कि माइनस रूट ऑफ माइनस वन के फॉर्म में आता है ना। आपने पढ़ा भी होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कॉन्जुगेट के फॉर्म में होते हैं करके, है ना, प्लस माइनस दोनों उसमें रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ डायरेक्टली हमें याद रखना चाहिए आई बार का मतलब है माइनस आई। ठीक है ना, आई मतलब आयोटा, आयोटा मतलब रूट ऑफ माइनस वन। ठीक, तो जेड बार का मतलब सिंपली आप याद रखिए, जब भी कॉन्जुगेट आएगा ये अगर प्लस है तो माइनस, ठीक है ना, आई जो है उसके जगह आई बार हो जाता है, आई बार मतलब माइनस आई। तो ये हुआ इनका, ये हुआ इनका कॉन्जुगेट रियल पार्ट, ये जो है इनको रियल पार्ट कहा जाता है, और आई के साथ जो गुणा रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। शॉर्टकट में आर ई करके इसको आई एम करके शो करते हैं, तो सो रियल पार्ट ऑफ जेड हुआ एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हुआ वाई। क्लियर ना। इसी तरीके से अब सोचिए,
अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो सो z प्लस जेड बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और ये तो कैंसिल हो गया, 2x बचा। अब 2x का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, टू रियल पार्ट ऑफ z, शॉर्टकट में याद रखिए z प्लस जेड बार, टू रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड बार। अब दिस माइनस दिस करोगे तो x x कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस आई वाई, आई आई वाई, आई वाई कितना हुआ 2iy, तो 2iy के जगह में क्या हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो शॉर्टकट में इनको आप डायरेक्टली याद रखें, है ना। अब ये फार्मूला मैंने लिखा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे, है ना, कोशेंट के फॉर्म में हो, डिविजन बटे के फॉर्म में ना, तो वो बार जो है अलग अलग बढ़ता है। यहाँ पर जेड वन जेड टू दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है ना। इस तरीके से फार्मूला, और भी फार्मूलाज हैं उनको भी देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड, इसको ध्यान से समझिएगा, मॉडुलस ऑफ जेड, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, हम मॉड का मतलब क्या होता है इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब ये होता है आर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। एक्चुअली क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ओरिजिन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू ये होता है ना, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है ना, यहाँ से समझिएगा, है ना, मॉडुलस, जिसको आप शॉर्टकट में मॉड बोलते हो, याद रखिए यहाँ रियल नंबर का मॉड नहीं शो कर, रियल नंबर का मॉड का मतलब होता है ना, उनका वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड, उनका पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जैसे कि, है ना, आपने मॉड ऑफ माइनस फाइव किया तो इसका मतलब होता है माइनस माइनस फाइव इक्वल टू फाइव, अगर प्लस फाइव का मॉड है तो ज्यों कहते हो, ठीक है ना। तो मॉड आप रियल नंबर्स के लिए जब देखते हो तो केवल एक पॉजिटिव नंबर्स को लाने का टेक्निक होता है, मतलब एक नंबर्स को शो करता है, वो ही पॉजिटिव नंबर को। जैसे कि आप मॉड ऑफ एक्स जो लेते हो, ये होता है एक्स और माइनस एक्स, अगर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी और एक्स बिलोंग्स टू, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये होता है फार्मूला, आपको अच्छे से याद होगा, है ना। लेकिन आप मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ग्राफिकल मीनिंग समझना आप। तो यहाँ एक्चुअली मॉड का मतलब होता है, जैसे मैंने पॉइंट उठाया z, अब z का मॉडुलस मुझे लेना है, तो z के मॉडुलस का मतलब है ओरिजिन से इस z के बीच का डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट आप उठाइए, जैसे मैंने ये उठाया, इनकी मॉडुलस का मतलब है इनका और इनके बीच का डिस्टेंस, इसी को मॉड ऑफ z से शो करते हैं, और डिस्टेंस को आप r से शो कर लेते हो, है ना। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो x प्लस आई वाई है और ये ज़ीरो है, है ना, इसको r2 के अंदर अगर मैं कंसीडर करूं तो ये आप एक्स वाई के रूप में शो करते हो, और इसी को आप कैसे शो करते हो, जीरो जीरो के रूप में शो करते हो, और डिस्टेंस को आप कैसे शो करोगे, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर हो रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू दैट पॉइंट, उनके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसी को मॉडुलस से आप शो करते हो, क्लियर। तो जब भी मॉड आएगा उनको मतलब, उनका मतलब आप शॉर्टकट में याद रखो कि अगर मॉड ऑफ जेड है, है ना, मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई है, तो आप शॉर्ट में याद रखिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, लेकिन मीनिंग क्या होता है आपको पता चल गया ना। अब इसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जिसे आप थीटा से शो करते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल थीटा, जो कि होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, है ना। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये जो थीटा है, एक्चुअली ये थीटा है, ये आर हुआ और ये थीटा है, तो ये जो है ना, आपने जो डिस्टेंस लिया था इसका, है ना, इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो आप एंगल तैयार करते हो, इसी एंगल को, इसी थीटा को, है ना, इनका, इनके साथ जो एंगल तैयार किया आपने, उसी थीटा को आप बोलते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना। खास बात ये है कि माइनस पाई लेस देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू पाई, है ना, पाई मीन्स 180 डिग्री, है ना, पाई का मतलब क्या है 180 अंश। तो याद रखिए आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में होती है, जिसमें पाई हो सकता है, पॉसिबल है, बट माइनस पाई कभी नहीं होगा, इनके बीच में ही होता है, ये बिल्कुल आप याद रख लीजिए, इनका रेंज है कहना चाहिए, माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई लेस देन दिस लेस आर इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब पोलर फॉर्म में हम देख लेते हैं,
इन पोलर फॉर्म, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और यहाँ से आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और है ना थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। ये तो अभी जस्ट बताया भी था, यही आर जिसे आप मॉड बोलते हो और यही थीटा जिसे आप आर्ग्यूमेंट बोलते हो, बट मैं पोलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। पोलर फॉर्म के मतलब होता है एक्स वाई को आप किस फॉर्म में लिखते हो, आर थीटा के फॉर्म में लिखते हो, है ना। यही पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, आपको अच्छे से पता है। अब देखिए ये जो r और थीटा का मतलब क्या है, वैसे आपको पता भी होगा बट इसको मैं और डिटेल कर देता हूँ। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल आर साइन थीटा आया कहाँ से? तो ये जो ग्राफ आपने जो बनाया है उस ग्राफ को अच्छे से देखिए, ये जो है ना आपने जो लिखा x y करके, इसमें से x का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका x है और ये आपका y है, क्लियर हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपने जो चला इस पॉइंट, ये जो आपने लिखा एक्स वाई है ना, एक्स प्लस आई वाई है जिसको पेयर में आप ऐसा लिखते हो, जिसमें से एक्स का मतलब है यहाँ से डिस्टेंस एक्स हुआ, वाई का मतलब ऐसा डिस्टेंस वाई हुआ, तो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, क्लियर हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई, और एंगल थीटा भी समझ आ रहा है इनका और इनके बीच का जो एंगल होता है उसे आप थीटा से डिनोट करते हो। अब ये जो वैल्यू है एक्स है ना, यहाँ से अगर कॉस थीटा अगर देखें, कॉस थीटा आप जानते हैं है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका मतलब कि आधार बटा कर्ण। अब यहाँ से x इक्वल टू होगा r cos थीटा, क्लियर। तो ये हुआ। इसी तरीके से अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे आप बोलते हो लंब बटा कर्ण, बोले तो y इक्वल टू r साइन थीटा। इस तरीके से ये होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब ये जो है स्क्वायर एंड एडिंग, स्क्वायर एंड एडिंग जब करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया वन, बचा आर स्क्वायर डॉट वन। अब यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, देख के पता चल रहा है डॉट वन ना, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल गया। अब इसकी अगर बात आप कर रहे हैं तो डिवाइड कर लीजिए, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ये हुआ वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये बचा टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, जिसमें से आप थीटा इक्वल टू लिखोगे टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, क्लियर है। इस तरीके से ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फार्मूला, और इसी में आप लिंक कर पा रहे हैं कि इसी को आप मॉडुलस बोलते हो, इसी को आप आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ये है ना, मॉड ऑफ जेड पावर एन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड होल पावर एन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखें अगर आप देखना चाहें तो मॉड ऑफ जेड पावर एन जो है इसका मतलब क्या है, जेड इज मल्टीप्लाई बाई जेड टिल एंथ टाइम्स, मतलब ये हुआ कि जेड पावर एन का मतलब है जेड डॉट जेड डॉट जेड डॉट 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 जेड, और वो भी कितने टाइम्स, एन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो ये अलग अलग होता है ना मॉड ऑफ, ये नेक्स्ट आप रिजल्ट लिख सकते हो कि मॉड ऑफ जेड वन डॉट जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू, ये भी रिजल्ट है ना। अलग अलग रियल नंबर, अलग अलग आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लेते हो तो उनका मॉडुलस अलग अलग बढ़ता है, सो ये जो है अलग अलग बटा, तो ये हो गया। कितने टाइम्स होगा, ये भी एन टाइम्स ना भाई, इसका मतलब मॉड ऑफ जेड का पावर एन, तो ये हो गया, क्लियर। तो आप डायरेक्टली याद रखिए दो चीज़ें हैं, है ना, और भी है मॉड ऑफ जेड प्लस जेड टू, चाहे माइनस के लिए भी प्लस के लिए भी, लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोई भी आप अच्छे से बुक ले लीजिए, चाहे है ना एक कासाना का बुक आता है, एक है पन्नू स्वामी का, और कोई भी बीएससी लेवल का बुक हो ना, उसमें आपको इन सब का प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसमें माइनस वाले लूँ, जेड वन माइनस प्लस माइनस जेड टू ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड टू करके, क्लियर है ना, प्लस माइनस लेस आर इक्वल टू अलग अलग बटा, और प्लस माइनस इसमें ग्रेटर आर इक्वल अलग बटा माइनस में, याद रखिए एक फार्मूला याद रख ली, प्लस के लिए लेस आर इक्वल टू होगा, फिर माइनस के लिए जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस
आई साइन थीटा। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, फार्मूला के तौर पे इसे आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो भी कीजिए, बट ये एनी हाउ याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जैसे आई है तो यहाँ आई है, तो यहाँ माइनस आई है तो माइनस आई है, ठीक है। वैसे आप है ना अगर क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो आप डी माइनर थ्योरम्स वगैरह पढ़े होंगे वहाँ इसका बहुत यूज़ है। और साथ ही साथ आप यहीं से ये आपको याद हो गया, फिर आप आसानी से यहाँ से और फार्मूला निकाल सकते हो, दोनों के ऐड कीजिए, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा टू कॉस थीटा, तो टू कॉस थीटा इक्वल टू होगा ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, यहाँ से टू को डिवाइड कर लीजिए ये, तो कॉस थीटा का ये फार्मूला बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ है ना साइन थीटा का फार्मूला बनता है, अगर दोनों को घटाया जाए दिस माइनस दिस तो इसमें से ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा e टू दी पावर माइनस आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन, अब चूंकि क्या होगा 2i साइन थीटा इक्वल टू ई आई थीटा माइनस ई माइनस आई थीटा, तो 2i अपॉन में आ गया। क्लियर हो रहा है, एक फार्मूला याद करना है, माइनस करो तो माइनस आता है, ऐड करो तो कॉस निकला, सब्ट्रैक्ट करो तो साइन निकला, अब साइन निकला कॉस निकला कोशेंट करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा टेन थीटा, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर है, इधर भी तो कोशेंट मतलब कि टेन थीटा, तो क्या होगा दिस अपॉन दिस, तो ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन है ना, ये हो जाएगा अपॉन टू आई और ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू, तो क्या मिला फार्मूला ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन आई ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पर बहुत सारे रिजल्ट निकले हुए हैं, उनको मैं लिखता हूँ, जैसे अभी मॉड पर था रिजल्ट है ना, और इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट पर फार्मूला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन डॉट जेड टू इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ बीच में होती है भी आपको पता है ना। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, इसी तरीके से 25 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन है ना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पावर एन इक्वल टू एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, याद होगा ये बिल्कुल किसके सिमिलर है लॉग वाले फार्मूला के सिमिलर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोडक्ट में है तो अलग अलग बटेगा प्लस के रूप में, अगर डिवीजन में है तो अलग अलग बटेगा माइनस के रूप में, अगर पावर में है तो सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली आप फार्मूला क्लियर हो गया। अब ये एक चीज़ आप याद रखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो तो देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ये होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। याद करने का तरीका बताता हूँ, जेड एक्स प्लस आई वाई लिखे टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर मैं बोल रहा था आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो करो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू जब जीरो होता है तो ये एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होता है, तो यहाँ पर x इक्वल टू जीरो होता है y इक्वल टू जीरो होता है, याद रखिए ये z इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ जीरो इफ एंड ओनली इफ x एंड y दोनों इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों जीरो होगा तभी तो, अगर दोनों में एक भी जीरो नहीं हुआ तो पहली बात जीरो z जीरो हो ही नहीं सकता, सो दोनों जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ चलता है ना। इसका मतलब यहाँ पर जीरो प्लस आई जीरो, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। इसको अगर डायरेक्ट ऐसा समझ नहीं आता तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, z इक्वल टू जीरो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू जीरो प्लस आई जीरो, कॉम्प्लेक्स जीरो है तो उसको आप ऐसे शो करोगे, कंपेरिजन कीजिए तो x जीरो और y जीरो, क्लियर है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हो, तो मैं ये बोल रहा था यहाँ पर क्या होगा ये टेन इनवर्स ऑफ जीरो अपॉन जीरो, डिफाइंड है जीरो अपॉन जीरो नहीं, सो याद रखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, तो ये ध्यान रखना है हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ जीरो इज जीरो, मॉड तो मॉड ऑफ जीरो तो जीरो हो गई, मॉड ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो क्यों, अब इसका मतलब क्या है जीरो ऑरिजिन का है ना, ऑरिजिन से डिस्टेंस जीरो ही आएगा, ठीक। अब कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस,
ठीक है ना। अब हम डेफिनेशंस देखने वाले हैं, है ना, जैसे सर्कल है, ओपन डिस्क है, क्लोज्ड डिस्क, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम देखने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो ये है कि मॉडुलस का मतलब आपने समझ लिया क्या होता है ना। मॉड एक डिस्टेंस को शो करता है, तो समझ आ गया, डिस्टेंस हमेशा एक रियल नंबर होगा, स्पेशली पॉजिटिव रियल नंबर, ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर दिखा है ना, यही एक सर्कल होता है, इसलिए शॉर्टकट में उसको ऐसे भी दर्शा दिया जाता है। अगर मैं ग्राफिकल में जाऊँ तो ग्राफिकल का मतलब होगा जेड नॉट पर सेंटर्ड, आर रेडियस का, आप रेडियस है मतलब कोई ना कोई रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, उस है ना को रेडियस मानते हुए आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ये जो सर्कल है आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ किया है, तो इसको आप इस तरीके से शो करते हो, है सर्कल ही है ना, लेकिन जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने वाले हैं, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स आने वाले हैं ना, यहाँ पर जो पॉइंट्स ऐसे घेरा जो बन रहा है ना, वो जो पॉइंट्स आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाले हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उसको आप इस तरीके से दर्शाते हो। देखिए इसको मैं रियल से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, है ना, ये जो आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो बनाया ना, उसको आप अगर है ना क्या बोलते हैं आर टू प्लेन के अंदर बात कर रहे होते तो कैसे शो करते हैं, तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई माइनस, इसको इक्वल टू आर लिख लेते हैं, इक्वल टू आर। अगर आप जेड को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हो तो जेड नॉट, ये जो एक्स और वाई है इसको रियल वेरिएबल बोलेंगे, ऑब्वियस है। अब ये जेड नॉट कोई पॉइंट है, तो ये एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट एक पॉइंट के रूप में हो रहा है। देखिए इसको पहले रियल को रियल के साथ रखते हैं, आई बाहर, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू आर, है ना। और मॉड को मैंने ट्रिक बताया था, है ना, ये देखिए x माइनस एक्स नॉट फिर से एक कोई एक रियल नंबर है, ये भी कोई एक रियल नंबर है, ये कोई रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर, तो मैंने बताया था कि मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आई वाई है, तो ये होता है ये रियल ये रियल, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका मैं एक्चुअल मीनिंग भी बताया था, ऑरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो, तो बस ऑरिजिन से इन पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें देखना है, तो रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू आर। अब देखिए x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो याद होगा आपको आर टू प्लेन में जब आप शो करते थे, समझ लीजिए आर टू प्लेन, आर टू प्लेन में जेड नॉट के जगह में आप क्या लिखोगे, है ना, पेयर में एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट करके लिखोगे, है ना, इसे को क्या लिखोगे, जेड नॉट को आप लिखोगे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, अब ये आर टू प्लेन हो जाएगा। तो इसमें है ना ये सर्कल हुआ आपका, अब यहाँ एलिमेंट जो पेयर एलिमेंट्स आएंगे पेयर्स में आएंगे, ठीक है ना, ये तो कोई डाउट नहीं होने, सर्कल मतलब ये केवल घेरा ना, अंदर में एलिमेंट की बात नहीं चल रही है, केवल घेरा पे एलिमेंट्स की बात चल रही है ना। तो मैंने सिर्फ एक रिलेट करने की बताया किस तरीके से आपने ये फार्मूला आप निकाल के बताया, डायरेक्ट देखिए अगर समझ नहीं आ रहा तो अब इसको आप डिटेल करके देख सकते हो, क्लियर है। अब देखिए है ना ये जो हुआ सर्कल, हुआ सर्कल मतलब केवल इतने में से बात कर रहे होते है ना, जेड नॉट पर सेंटर्ड आर रेडियस का सर्कल हुआ। अब सोचिए है ना इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब इसमें शामिल हो, तो इसको आप क्या बोलते हैं ओपन डिस्क। ये जो आपने सर्कल किया था केवल घेरा में एलिमेंट था है ना, इसके एलिमेंट्स को छोड़ इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है देख सकते हो, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, तो जेड नॉट पर सेंटर्ड आर रेडियस का आपने ये डिस्क बनाया जिसमें से केवल अंदर एलिमेंट शामिल होगा, ठीक है ना, इसको बोलते हो ओपन डिस्क। सेम वही है, सेम उसी में वही टेक्निक है, यहाँ लेस देन करो लेस देन करो लेस देन लेस देन लेस देन, तो जो वैल्यू आएगा वो आर टू प्लेन में, आपने आर टू प्लेन में ओपन डिस्क शो करते थे वो इस फॉर्म में आएगा लेस देन करके, और आप सी बोले तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर बात कर रहे हो तो इस फॉर्म में, इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं, क्लियर है। अब अगर क्लोज्ड डिस्क की बात करें, क्लोज्ड डिस्क तो ये होगा जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस आर इक्वल टू आर। क्लोज्ड डिस्क मतलब क्या हुआ यहाँ पर है ना, जो बाउंड्री है वो भी शामिल है, क्लोज का मतलब क्या होता है बाउंड्री के एलिमेंट्स भी क्या हो रहे हैं इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना, कि पूरा कंप्लीट ये भी इंक्लूड हो रहा है ना, और पूरा अंदर वाला भाग, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू आर, और शॉर्टकट में इसको मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस आर इक्वल टू आर, ठीक है, इस तरीके से ये हुआ क्लोज।